हेलो कर दो। ये सिविल अरे यार अंकल तो आगे मैं यहाँ से। तो अभी हम पहुँच गए हैं गुरदासपुर। राम राम जी मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सभी ठीक ठाक हो रहे हैं। तो अभी तैयार हो गए बिल्कुल निकलने के लिए और टाइम हो गया सुबह के बज गए 10। भाई 8 बजे से लगाऊँ तैयार होने, 10 बज गए, 2 घंटा लेट चल रही है गाड़ी और बाइक अपनी कोल्ड स्टार्ट पर लगी है। सो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब करते हैं राइट चार्ट यहाँ से, और आज निकलना अपने को डेरा बाबा नानक, जो कि यहाँ से 220 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से, या और गूगल मैप बता रहा है कि 4.5 घंटे लग जाएंगे पहुँचने में। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए करते काम स्टार्ट। जय सूरज देवता, नमो नमः। सो लगा दी स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना मेरे को, वहाँ पे अपडेट मिलता रहेगा। सो करते हैं स्टार्ट काम। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। वाह भाई साहब, बड़े दिनों के बाद आज राइड पे। ऑसम फीलिंग मैन। क्या बात है। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ तलाई, बाबा नगर तलाई में, और देख सकते हो खाली खाली है आज पूरा। ओए होए, ऑसम। सो अभी रोड बहुत अच्छा आ गया है भाई, इससे कि टाइम कम लगेगा। और अपना नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है बड़सर, और गाड़ी में रिफ्यूलिंग भी करानी पड़ेगी, इसमें तेल काफ़ी कम है दोस्तों। पेट्रोलियम यहाँ पे तेल डलवा दिया मैंने वैसे, पर जितना मेरे को पता है यार कि पंजाब में तेल महंगा है हिमाचल से, हिमाचल में सस्ता तेल है भाई। जहाँ मर्जी चले जाओ आपको हिमाचल का तेल सस्ता मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप हिमाचल में हो तो कहीं बाहर जाना हो आउट ऑफ हिमाचल तो हिमाचल में ही डलवा लो, पंजाब में नहीं, सॉरी। और ये आ गया GDC बड़सर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है यहाँ पे, और ये जगह है बरौली। जो ट्रक चलाया आगे इस पे लिखा है हमें तो डीजल ने लूटा टायरों में कहाँ दम था, हमें तो डीजल ने लूटा टायरों में कहाँ दम था, हमें जहाँ भेजा गया वहाँ का भाड़ा कम था। ओ भाई साहब, भाड़ा कम था है? ये प्रॉब्लम है। जय हो। और ये पंजाबी राइडर्स, ओ भाई साहब ये बंदे खतरनाक है भाई, कोई हेलमेट नहीं लगाते हैं, कुछ नहीं, जान देते हैं जा रहे हैं। बंगाना शहर है, क्या वो पांडू क्या करा रहा है। ऊना पहुंच गया हम और ग्रीन सिग्नल हो गया आगे। क्या बात है भाई, बड़े दिनों के बाद ऊना आ रहा हूँ मैं, बड़ा ही अच्छा अच्छा फील हो रहा है। और ये सिग्नल रेड होने वाला है, फंस गए। और अभी अपन जाएंगे इस साइड, ये चला गया आपका होशियारपुर और तलवाड़ा के लिए। भाई साइड का व्यू देखो भाई, क्या व्यू आ रहा है, अल्टीमेट भाई अल्टीमेट। देखो गाड़ियों वाले कैसे जा रहे हैं भाई, इस रोड पे रुकने का मन नहीं कर रहा है, सच बता रहा हूँ मैं। वरना मैंने सोचा था कि ब्रेक लूँ, पर मन नहीं कर रहा है, क्या लगानी ब्रेक है, जान तो जैसे जा रही है। पर भाई है ना, पीछे लेनी चाहिए थी ब्रेक, मेरे को पीछे जूस वाला खड़ा था। सो आगे देखते हैं कहीं जूस वाला मिल जाएगा तो वहाँ पर आप एक ब्रेक ला लेंगे लाइट राइट से। आगे नहीं बिल्लो ही टाइम, संतरे संतरे। और भाई क्या हाल है? ठीक है।
अच्छा बनाना मेरे लिए भी? नमक डालना? नमक लगा दो, नमक क्या है, नमक भी खा लेंगे थोड़ा सा। बढ़िया। अच्छा ये तालाब है पीछे? तालाब नहीं है, बारिश का पानी भर गया। अच्छा बारिश का पानी भर गया ये, ठीक है ठीक है। टाइम हो गया 12:15 दोपहर का और यहाँ पे ब्रेक लिया है। भाई आपका नाम? राजकुमार। भाई का नाम है राजकुमार, क्या बात है भाई, बन गया जूस, क्या बात है भाई। क्या बात है, क्या बात है भाई, करंट लग गया, अल्टीमेट बनाया। पर ये हो रहा है सर्च मेरा चैनल और ये आ गया, वही आ गया मेरा सब्सक्राइब, पाकिस्तान जा रहा हूँ एवं ही। सो ही हो गया सब्सक्राइब भाई के चैनल से। सेल्फ प्रमोशन अति आवश्यक है हमारे चैनल के लिए। तो ठीक है भाई चलते हैं, अब दोबारा मिलेंगे वापसी में, अगर लाइक ब्रेक मेरी यहाँ पे। हाँ ठीक है भाई, बाय। सो करते हैं दोबारा से सफ़र स्टार्ट, क्योंकि आज लंबा सफ़र है थोड़ा। अभी अगला स्टेशन तलवाड़ा आएगा, फिर गुरदासपुर, मुकेरियाँ, ऐसा सब कुछ पॉइंट है आगे। सो करते हैं काम स्टार्ट। अब रोड ऐसा है साढ़ा सड़ जाएगी गाड़ी, रुकना तो है नहीं। सो चलिए पावर टॉनिक पीने के बाद अब एनर्जी भी अच्छी आएगी। चलो नेक्स्ट स्टेशन इज मुबारकपुर, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। अरे भाई साहब मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी टांगी फुल हो गई है, संतरा अपनी जगह पहुँच गया है। तो आगे आपको मैं बताऊँगा स्टोरी मुबारकपुर की, मुबारकपुर में कौन था अपना, कौन खास था अपना भाई, बड़े खास जो हमारे टीचर थे वो हमारे मुबारकपुर से थे, जिन्होंने हमें +2 में पढ़ाया है इकोनॉमिक्स। पर पहले मैंने ब्रेक लगानी है, पहले टंकी खाली करनी पड़ेगी मेरे को, उसके बाद काम स्टार्ट होगा आराम से। फिर आई थिंक दिस इज द परफेक्ट प्लेस। ओह सो अब धरती पूरी स्वर्ग लग रही है मेरे को, अब जाके थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। अभी यहाँ से सारा 120 किलोमीटर रह गया है डेरा बाबा नानक, और अगला स्टेशन तलवाड़ा, दौलतपुर तलवाड़ा और मुकेरियाँ, मुकेरियाँ के बाद गुरदासपुर, गुरदासपुर के बाद अपन पहुँचेंगे डेरा बाबा नानक। बड़ा साउंड कर रहा है। तो अब बैठते हैं बाइक पे और बताता हूँ आपको स्टोरी मैं मुबारकपुर की। काफ़ी लंबा सफ़र है आज, ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है। देखो भाई पाकिस्तान जाने के चांसेस मेरे को अपने कम लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को पता है कि जाने के चांसेस सिर्फ 1% है और एक प्लान कैंसिल होने के चांसेस 99% है, वो मेरे को पहले पता है। अपन तो सफ़र के मज़े ले रहे हैं, सफ़र का मज़ा लेना पूरा, बाकी छोड़ो जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि हम बड़ा कुछ सोचते हैं पर भगवान ने कुछ और लिखा होता है। सो लेट्स स्टार्ट द राइड। सो जब हम +2 पढ़ते थे तो नए टीचर आए थे हमारे इकोनॉमिक्स के, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा उनका, क्या नाम था यार, पता नहीं क्या नाम था, काफ़ी टाइम हो गया अब तो। हम तो बोलते थे उनको दादा, मैं दादे क्लास लुवानी, वो लुवानी क्या लुवानी, और वही था मतलब दादा बोलते थे हम उसको, क्योंकि दिखने में वो पूरा दादा की तरह था ना, मतलब सिर में बाल कम थे। पर भाई क्या बहुत नाइस पर्सन था भाई वो हमारा टीचर, आज भी याद है हमें। और बिल्कुल भाई कभी कुछ नहीं बोलता था वो किसी को, जब उसको गुस्सा आता था फिर तोड़ता था बहुत बुरा वो। हमको पता है कि उसके जो हाथ था भाई, वो जिन्होंने शॉट खाया है उसके हाथ का स्कूल में, तो वो कहते थे कि भाई इसका हाथ जो है, कई बोलते थे इसका हाथ बेलचे की तरह है, बेलचा, जैसे बेलचा होता है ना, चाम बेलचा। तो
वेस्ट की तरह हाथ है उसका, जैसे थप्पड़ मारा था जिन्होंने थप्पड़ खाए हैं। खैर मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि मैं उसके हाथ में चढ़ा कभी पर फिर भी भाई वो हल मारता था लफैड मुँह में भाई साहब। सोन के घर थे यहाँ पे, हम मिले उनसे एक बार 2017-18 में, तब गए थे लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे, मिले थे उनके साथ, बड़ा अच्छा लगा था उनसे मिलके। और वहाँ लिखा है वेलकम टू पंजाब, और अब हम पंजाब में एंटर हो गए हैं गुरुजी। सारा यहाँ से 15 किलोमीटर का रहेगा उत्तरवाड़ा पंजाब। अब थोड़ा फील हो रहा है कि हाँ मैं कहीं जा रहा हूँ, थोड़ा स्पेशल लग रहा है। देखो साइड में आम के पेड़ लगे हैं यहाँ, देखो हरा भरा जंगल। ना पहले तो ऐसा लग रहा था नॉर्मल साहब, मेरे को बड़ा सही लग रहा है चलने में। अब थोड़ा अंदर से फील आ रहा है कि हाँ भाई करतारपुर जा रहा भाई। आपका भाई पहुंच गया है मुकेरियाँ, और अभी यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कोई फूड पॉइंट मिल जाए अच्छा सा, फिर बैठते हैं कुछ करते हैं कार्रवाई। लो जी पहुँच गए ढाबे पे, ठीक है जी। पुलिस वाले पूरी सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को, यहाँ जा यहाँ खा, ठीक है जी बहुत बढ़िया। टाइम हो गया 2:30 बज गए दोपहर के, और अभी मुकेरियाँ मैं खाना खुना खाएंगे थोड़ा, और पुलिस वाले पूरा बढ़िया ट्रीट कर रहे हैं मेरे को, क्योंकि दिखने में ऐसा लग रहा हूँ जैसे मैं साउथ से आ रहा हूँ, साउथ वाले आते हैं ना राइडर, उनकी तरह लग रहा हूँ दिखने में, कि मैंने सेफ्टी वगैरह लगाई है ना, ये इससे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है बंदा। सो यही है, बढ़िया सिस्टम है, मज़ा आ गया। और ये आ गया अपनी रोटी चपाती यानी दाल, और यहाँ पे सब्जी है आलू पनीर मटर, क्या है ये बढ़िया है बढ़िया। चलो जी, और अभी अपने को जाना है यहाँ पे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ पे जाके अपना कोविड टेस्ट करवाना है। तो वैसे रिस्क है सारा, पर चलो कोई नहीं करवा लेते हैं फिर भी, क्योंकि अगर मैंने कोविड टेस्ट करवा लिया और मेरा ETA आया नहीं फ़ोन पे, तो फिर भी प्रॉब्लम ही है, क्योंकि आगे जाना तो मेरे को मिलेगा ना ही। पर चलो कोई नहीं करवा लेते हैं कोविड टेस्ट, कोई सही नहीं है यहाँ, कुछ तो करना पड़ेगा, अब रिस्क तो लेना पड़ेगा, नाम बढ़ते हैं रिस्क से, और वही है। हेलो कर दो, ये सिविल सो ये है सिविल हॉस्पिटल मुकेरियाँ का, और यहाँ पे पता करा मैंने, यहाँ पे भी कह रहे हैं कि परसों आएगी रिपोर्ट, सो अभी प्राइवेट में चलते हैं। सो प्राइवेट हॉस्पिटल भाई ने कहा वहाँ पता करते हैं जाके, ठीक है भाई जी मिलते हैं फिर। यहाँ पे होगा अपना RT-PCR टेस्ट। तो जी टाइम हो गया 3:30, और अब चलते हैं यहाँ से, करते हैं सफर स्टार्ट दोबारा से। और ये जो क्लिनिक है जहाँ उन्होंने टेस्ट कराया, ये वहाँ के जो मेंबर्स हैं सारे एम्प्लॉइज हैं यहाँ पे भाई, ये लगाना सारे यहाँ पे लग सकते सारे भाई। कितना टाइम लगेगा यहाँ से गुरदासपुर के लिए? 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है। डेढ़ बाप बनाना कितना होते हैं? डेढ़ बाप बनाना कोई पता नहीं है, कोई कहीं से भी घुस जा रहा है यहाँ के, बड़ा सा रिस्की सा है। चलो ये काम तो हो गया अपना कंप्लीट RT-PCR, इन्होंने कहा कि रिपोर्ट सुबह आ जाएगी तुम्हारे फ़ोन पे, तो कोई सीन नहीं है अब, कोई टेंशन नहीं है, रिस्क ले लिया है तो ले लिया है, फिर क्या करें यार, इतना बेकार सिस्टम है ना, कसम से दिमाग खराब हो जाता है मेरा, आधी रात में सो भी नहीं पाया, क्योंकि इतने दूर से आ रहा हूँ, बॉर्डर मेरे को क्रॉस करने देंगे नहीं, क्योंकि ATM मेरा आएगा नहीं जितना मेरे को लग रहा है, बाकी बाबा की मर्जी है, नहीं आएगा ATM तो कोई बात नहीं, और भी पॉइंट हमारे पास, वहाँ जाएंगे हम, कोई टेंशन नहीं है। जय भोलेनाथ, भोलेनाथ सबके साथ, फुल पावर में रखे मेरे को बस भोलेनाथ, और कुछ नहीं चाहिए। तो पहला बोर्ड है डेरा बाबा नानक 58 किलोमीटर, और अमृतसर है यहाँ से 98 किलोमीटर अमृतसर है यहाँ से।
अरे यार अंकल तो आगे मैं यहाँ से ओ हट जाओ हट जाओ। तो अभी हम पहुँच गए हैं गुरदासपुर। यह है गुरदासपुर, होम टाउन ऑफ गुरु रंधावा। लगती लाहौर दी आप इस हिसाब नाल चलती है। तो देवी और सज्जनों टाइम हो गया 5:15 और अभी मैं गुरदासपुर के 5-10 किलोमीटर आगे रुका हूँ। थोड़ा ब्रेक लिया यहाँ पे क्योंकि सुबह से आपका भाई चला ही हुआ है, आपको पता ही है। और हरियाली देखो खेतों की, लंबे लंबे खेत। हमारे पास तो छोटे छोटे खेत हैं, क्यारियाँ क्यारियाँ देखो खेत, जहाँ तक नज़र जा रही खेत ही खेत हैं। और अभी यहाँ पे 2-4 फोटोज़ खींचे हैं मैंने और स्टोरी लगाई है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहा, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, वहाँ पे स्टोरी में डालता रहूँगा। और अब करते हैं राइड स्टार्ट यहाँ से। आधा घंटा लगेगा सारा डेरा बाबा उन्होंने पहुँचने में। सो करते हैं राइड स्टार्ट। तेल देना, तेल चेन, हाँ चेन सुखी होगी ना, तेल लगा दी थोड़ा थोड़ा। कितने पैसे हो गए? अच्छा और कितने डेरा बाबा कितना दूर आया थे? 18 किलोमीटर ठीक है। यूट्यूब तो चैनल है मेरा हिमाचल तो शाहतलाई, जैसे बाबा बालकनाथ का मंदिर है उसे जा रहा है मैं, ये चैनल है। हाँ रिस्पेक्ट सम्मान ये सब हमें मिलता है जहाँ भी जाते हैं हम, फ्री ऑफ कॉस्ट काम होता है। जय बाबा बोना हरी जय हो। तेरा बाबा नाने के लिए अंदर को करतार रिकॉर्ड हुई सीधा। सो अभी अपने डेरा बाबा नानक जाना है। सो अपन यहाँ से अंदर को हो जाएंगे डेरा बाबा नानक। सो अपन पहुँच गए और आज की स्टे अपन यहीं पे लेंगे और देखते हैं क्या मिलता है सिस्टम यहाँ पे। और वे देखिए फ्रेंड्स, वो जो फ्लैग दिख रहा है वो है इंडिया का झंडा और वहाँ पे ये करतारपुर कॉरिडोर और उसके आगे है पाकिस्तान। काफ़ी क्लोज हैं पाकिस्तान के। रूम मैंने ले लिया है, मैंने लिया है मिक्स रूम जहाँ पे पिटाइयाँ बसी हैं मिट्टी और गद्दे लगे हैं और रजाइयाँ पड़ी हैं। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे रूम मिल जाएगा, सेपरेट रूम अलग से, उसमें अलग से गीज़र नहाने का बाथरूम टॉयलेट सब कुछ मिल जाएगा। पर वो मिलेगा आपको 500 रुपये में और जो मैंने लिया है वो मेरे मेरे को 200 रुपये में, 200 रुपीज़ ओनली। और दिखाता हूँ आपको अंदर से कैसा है। ये देखिए ये रखा मैंने सामान अपना और ये है अंदर हॉल और यहाँ पे बाथरूम। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे गीज़र है, टेंशन रहने वाली कोई बात नहीं है। और अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ, एटीएम से पैसे निकलवाने क्योंकि जेब में कैश ख़त्म हो गया है। सो यही है यहाँ पे। सो अब इस ब्लॉग को मैं करता हूँ फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग इस ब्लॉग। चैनल पर नया तो कर लेना भाइयों सब्सक्राइब और अगले ब्लॉग में पता लग जाएगा कि पाकिस्तान जा पाऊँगा या नहीं, क्योंकि अभी वो ETA आ नहीं रहा है, बस मैं चेक कर रहा था मैंने। सो एक बार दोबारा चेक कर लेंगे, अगर आ जाता तो अगला ब्लॉग आ जाएगा, नहीं होगा तो प्लान फेल्ड और दोबारा फिर कर लेंगे तैयारी। क्या दिक्कत है, ये तो यहीं रहेगा, ये कहीं जाने वाला नहीं है। तो अभी करते हैं ब्लॉग पॉइंट, थैंक यू वॉचिंग ब्लॉग। चैनल पर नया तो करना सब्सक्राइब। जय भारत।